चैप्टर टू के कंटिन्यूएशन में है ये चैप्टर टू जो कॉपी पर करना है। अब आपको प्रैक्टिस टाइम हेडिंग डालेंगे इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 एट वंस प्लेस। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर आते हैं 0, 2, 4, 6 और 8। जैसे 20 में वंस प्लेस पे कौन है 0, तो कौन क्या हो गया ये इवन नंबर। ऐसे 24 में आपको सिर्फ कहाँ देखना है वंस प्लेस पे आपको देखना है। ठीक है, वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो वो इवन नंबर होंगे। जैसे एक और एग्जांपल दिया है 3562, क्या एक इवन नंबर है या ओड नंबर है? यस, इट इज ए इवन नंबर बिकॉज देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड ये है, इसमें वंस प्लेस पे देखो क्या है 2 है, इसलिए ये इवन नंबर है वंस प्लेस। ऐसे देखते हैं हम, ये प्लेस वैल्यू देखने के लिए होता है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। ठीक है, नेक्स्ट ओड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 एट वंस प्लेस। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या फिर 9 डिजिट आती हैं। एग्जांपल्स जैसे 13, 19, 353, यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे क्या है 393। सिर्फ हमें कहाँ देखना है वंस प्लेस पे अगर 1, 3, 5, 7 या फिर 9 में से अगर कोई भी है तो वो ओड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 13 एंड 29। सभी इवन नंबर्स लिखिए 13 एंड 29 के बीच वाले। ठीक है, आंसर अब देखियो, देखना जो 13 है 13 के बाद से शुरू करना है, बिटवीन बोला है ना तो 13 को इंक्लूड नहीं करना, वैसे भी 13 ओड नंबर है, इवन नंबर लिखने हैं। 13 के बाद 14 है, 14 लिखेंगे, फिर 16, फिर 18, 20, 22, 24, 26 एंड 28। ठीक है, यहाँ तक इवन नंबर हैं, इस तरह से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट बाय 3 एंड राइट इट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, कि 3 का काउंट करना है। ठीक है, 3 ऐड करते जाना है, पहला नंबर है 30 के बाद अगर 3 ऐड करेंगे काउंट बाय 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा, फिर 36, 39, 42, 45 एंड 48। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 46 से स्टार्ट करना है, 9 से स्टार्ट करना है, 54 से स्टार्ट करना है, इनमें भी 33 काउंट करके करते जाना है और आंसर लिखना है। ये आपको खुद करना है, ये होमवर्क है। ओके,